जिला महिला चिकित्सालय परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लगभग 21 करोड़ की लागत से बन रहे शय्या मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शुरुआती दौर में शय्या मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के 3 फ्लोर तक की संचालित किया जाएगा। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी उसी क्रम में आगे भी स्वास्थ्य इकाई को संचालित किया जा सकेगा। जनता को नए वर्ष में इसकी सौगात मिलेगी। इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर दिनेश सोनकर और कार्यदायी संस्था के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, ये लॉबी रहेगी बाहर वो डॉक्टर पानी की कहाँ जितना पानी के लिए नहीं होगा तो वाटर कूलर में धोगे उसे तो सब और यहीं पे पीने का पानी शुद्ध आप दे रहे हो घर के ये तो सर नहीं चेंज कर सकते। नहीं स्पेशलिस्ट मिलेंगे तब बैठेंगे। हाँ, ये 100 बेडेड मैटरनिटी विंग हमारा बन के तैयार हो गया, हैंडओवर भी हो गया है, विभाग ने इसको ले लिया है और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य आए थे दौरे पे तो उन्होंने इसको देखा था। उन्होंने जनता को ये आश्वासन दिया था कि जनहित में हम इसे 20 दिन में चालू कर देंगे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की टीम भी आएगी 1-2 दिन में और हम लोग आज उसका प्री मुआयना कर रहे थे तो यहाँ के SIC महोदय के साथ हम लोग इसको देखे हैं। इसमें हम अभी अपनी मैन पावर, अपनी इक्विपमेंट और अपनी कैपेसिटी के अनुसार फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये 3 फ्लोर पर थर्ड फ्लोर भी हम चला पाएंगे और इसको चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जो एजेंसी इसको चला रही थी उसने छोड़ दिया है, लेकिन उसने कुछ सामान खरीदा था इसको चलाने के लिए जो हमारे ही कमरों में डंप है, जिसको सरकार से उनकी बात हो गई है, हम धनराशि देके वो सब सामान ले लेंगे और उनकी फिटिंग चालू करा देंगे। उम्मीद है कि हम इसको नए वर्ष में जनता को समर्पित कर देंगे।